इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें 12 साल पहले की स्टोरी बताई जाती है, जब एक फॉक्स मॉन्स्टर ने एक गांव में हमला कर दिया था। तब उस फॉक्स मॉन्स्टर को रोकने के लिए निंजा की टीम से एक निंजा आता है जिसका नाम फोर्थ होकागे होता है, जो उस फॉक्स मॉन्स्टर को रोकने के लिए अपना बलिदान दे देता है और उस फॉक्स मॉन्स्टर को एक मानव शरीर में कैद कर देता है। और फिर हमें वो बच्चा दिखाया जाता है जिसके अंदर वो फॉक्स मॉन्स्टर कैद होता है, और इसी बच्चे का नाम होता है नारुतो। फॉक्स मॉन्स्टर के हादसे के बाद सभी निंजास ने गांव वालों से नारुतो का राज छुपाने को कहा होता है, ताकि नारुतो को कभी पता न चल सके कि उसके अंदर फॉक्स मॉन्स्टर कैद है। इसीलिए सभी लोग नारुतो से उसका राज छुपा कर रखते हैं, लेकिन उससे नफरत भी करते रहते हैं और उसको बहुत भला बुरा सुनाते रहते हैं, क्योंकि नारुतो की वजह से उन्होंने अपना घर और फैमिली को खोया है। लेकिन नारुतो को ये वजह पता नहीं होती है कि लोग उससे इतनी नफरत आखिर क्यों करते हैं। इसीलिए वो लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए कुछ न कुछ शैतानी करता रहता है ताकि लोग उसको पसंद कर सके। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो पुराने निंजास की मूर्तियों के फेस पर रंग करके भाग रहा होता है, और कुछ निंजा उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नारुतो उनको बेवकूफ बना देता है और उन पे जोर जोर से हंसता रहता है। तभी वहाँ इरुका सेंसे आ जाता है, जिसको लॉर्ड होकागे ने बचपन से नारुतो की देखभाल करने को कहा होता है, क्योंकि इरुका सेंसे भी नारुतो की तरह अनाथ होता है और उसके अनाथ बनने का कारण नारुतो होता है, क्योंकि फॉक्स मॉन्स्टर के हमले के दौरान सेंसे ने अपने परिवार वालों को खो दिया था। लेकिन फिर भी सेंसे नारुतो को अपने छोटे भाई की तरह मानता है और उसकी देखभाल भी करता रहता है। इसीलिए वो नारुतो को पुराने निंजास की मूर्तियों पर कलर करने के लिए बहुत डांटता है और उसको क्लास चलने को कहता है, जहां वो सारे स्टूडेंट को निंजा बनने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। और सेंसे नारुतो की गलती की वजह से क्लास के सारे बच्चों को पनिश करता है और सभी स्टूडेंट से ट्रांसफॉर्मेशन जोत्सु करने को कहता है, और सभी स्टूडेंट नारुतो की वजह से उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। और फिर वो सभी लोग अपने अपना जोत्सु करते हैं, जिसमें वो लोग सेंसे की तरह बन के दिखाते हैं। और फिर बारी आती है नारुतो की, जो एक नॉइड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देखकर सेंसे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन नारुतो बहुत जोर जोर से हंसता रहता है और सेंसे को नारुतो की हरकत देखकर उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसको समझाता है कि ये उसका आखिरी मौका है, नहीं तो वो फेल हो जाएगा और निंजा नहीं बन पाएगा और फिर उसको फिर से शुरुआत स्टार्ट करना होगा। इसके बाद हम नारुतो को पुराने निंजास की मूर्तियों का फेस साफ करता हुआ देखते हैं, जहां सेंसे नारुतो को मस्का लगाते हैं कि जितनी जल्दी ये काम खत्म होगा वो उसके बाद नारुतो को नूडल्स खिलाने के लिए ले जाएंगे। और नारुतो नूडल्स की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और सेंसे से कहता है कि इतनी सी बात है, मैं इसको अभी साफ कर देता हूं। फिर हम सेंसे और नारुतो को नूडल्स खाता हुआ देखते हैं, जहां सेंसे नारुतो को समझाते हैं कि उसको पुराने होकागे की मूर्तियों के फेस पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर नारुतो कहता है, मैं उनसे बेहतर हूं इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर सेंसे कहता है कि क्या तुम उनके बारे में जानते हो। नारुतो कहता है, हां मैं जानता हूं, खासकर फोर्थ होकागे, जिन्होंने फॉक्स मॉन्स्टर से गांव वालों को बचाने के लिए अपना बलिदान देकर उसको एक मानव शरीर में कैद कर दिया था, इसलिए मैं भी उनसे एक दिन बहुत बेहतर बन जाऊंगा और एक महान होकागे बनूंगा। और फिर सभी लोग जो मुझसे भी नफरत करते हैं वो सब मुझसे प्यार करने लग जाएंगे। नारुतो बात ही बात में सेंसे से उसका निंजा बैंड पहनने के लिए रिक्वेस्ट करता है, और सेंसे नारुतो से कहता है कि इसके लिए उसको एकेडमी से ग्रेजुएट होना पड़ेगा और एक निंजा बनना पड़ेगा, तभी वो इसको पहन सकता है। और फिर हम सभी स्टूडेंट को नारुतो की क्लास में देखते हैं, जहां सेंसे सभी बच्चों से कहते हैं कि आज उनका फाइनल टेस्ट है, उसके बाद उनको निंजा बैंड दे दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले उन सबको क्लोन जोत्सु करके दिखाना होगा। और नारुतो क्लोन जोत्सु का नाम सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि नारुतो का क्लोन जोत्सु बहुत ही खराब होता है। फिर सेंसे टेस्ट के लिए पहले नारुतो को बुलाते हैं और नारुतो अपना क्लोन जोत्सु करता है, लेकिन उसका क्लोन जोत्सु बहुत ही बेकार बनता है। सेंसे नारुतो को फेल कर देते हैं, जिस पर मिजुकी सेंसे नारुतो की बहुत तारीफ करता है और उसको पास करने को कहता है, और ये बात सुनकर नारुतो बहुत खुश होता है। लेकिन सेंसे फिर भी नारुतो को फेल कर देते हैं, जिसको देखकर नारुतो को सेंसे के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। फिर हम नारुतो को बाहर अकेला बैठा हुआ देखते हैं, जहां से वो सभी बच्चों को निंजा बैंड लेता हुआ देखता है। तभी वहां मिजुकी सेंसे आता है, जो नारुतो से कहता है कि उसको एक राज की बात पता है, जिससे नारुतो कभी फेल नहीं होगा। और वो राज की बात बताने के लिए मिजुकी सेंसे नारुतो से एकेडमी से दूर चलने को कहता है, और फिर मिजुकी सेंसे और नारुतो एकेडमी से थोड़ा दूर चले जाते हैं। और मिजुकी यहां पे एक चाल चलता है, जिससे नारुतो सेंसे और लॉर्ड होकागे अनजान होते हैं, क्योंकि मिजुकी नारुतो के जरिए सीलिंग स्कोल पाना चाहता है और अपनी पावर बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो नारुतो को बेवकूफ बनाता है। फिर मिजुकी नारुतो को एक खास सीलिंग स्कोल के बारे में बताता है, जिसमें सारे निंजा के जोत्सु के बारे में लिखा होता है। मिजुकी नारुतो को बताता है कि अगर तुम उसको पालो और तुम उससे जोत्सु सीख कर अगर टेस्ट दोगे तो तुम पास हो जाओगे, क्योंकि सभी निंजा ने यही नियम बनाया है जो कि तुम्हें पता नहीं है। और नारुतो मिजुकी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है, और फिर सीन चेंज होता है। फिर हम सेंसे को देखते हैं, जिसको लॉर्ड होकागे ने नारुतो के बारे में बात करने के लिए बुलाया होता है, जिस पर लॉर्ड होकागे सेंसे से कहते हैं कि उसको ऐसा बर्ताव नारुतो के साथ नहीं करना चाहिए, नारुतो बस अपनापन और प्यार चाहता है, इसीलिए वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसी सजानियां करता रहता है। फिर सीन चेंज होता है, जहां हम नारुतो को देखते हैं जो सीली स्कोन को पढ़ रहा होता है, जिसमें पहले जोत्सु के बारे में लिखा होता है, जो कि मल्टीपल शैडो क्लोन जोत्सु होता है, जिसको पढ़कर नारुतो डर जाता है और खुद से कहता है कि ये तो मेरा बहुत ही खराब जोत्सु है। फिर सीन चेंज होता है, जहां सेंसे लॉर्ड होकागे की बात के बारे में सोच रहा होता है और उसको अफसोस होता है कि उसको नारुतो के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और तभी सेंसे को बाहर से मिजुकी की आवाज आती है और सेंसे अपने बेड से उठकर बाहर जाता है, जहां मिजुकी सेंसे को बताता है कि उसको लॉर्ड होकागे ने बुलाया है, क्योंकि नारुतो सीलिंग स्कूल चुराकर भाग गया है। और ये बात सुनकर सेंसे चौंक जाता है, और फिर उसके बाद हम सारे निंजास को लॉर्ड होकागे के पास देखते हैं। फिर हम सभी निंजा को देखते हैं जो नारुतो की बुराई करते हैं, और लॉर्ड होकागे से कहते हैं कि उस सीलिंग स्कूल में फॉक्स
फॉक्स मॉन्स्टर को कैद रखने का मंत्र और हमारे सारे जोसू का राज है। अगर वो किसी दुश्मन के हाथ पड़ गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर लॉर्ड हुआ के नारुतो को ढूंढने के लिए सभी निंजास को वहाँ से ढूंढने के लिए भेज देते हैं। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम सेंसे को देखते हैं जो नारुतो को ढूंढ लेता है और नारुतो सेंसे से कहता है कि आपने मुझे ढूंढ लिया सेंसे, कमाल कर दिया। और फिर नारुतो कहता है कि मैं आपको जोसू करके दिखाता हूँ, फिर आप मुझे पास कर दोगे ना, क्योंकि यही तो नियम है ना कि स्कूल से जोसू सीखकर जो भी दिखाएगा उसको पास कर दिया जाएगा। और सेंसे नारुतो की बात सुनकर समझ जाता है कि इन सबके पीछे मिजुकी का हाथ है और तभी मिजुकी उनके ऊपर हमला कर देता है और सेंसे नारुतो को बचा लेता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। फिर सेंसे और मिजुकी में बहस होने लगती है जिसको देखकर नारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और मिजुकी नारुतो को भड़काता रहता है कि सेंसे तुमसे नफरत करता है। और फिर मिजुकी नारुतो को एक राज बताने को कहता है जिससे वो अभी तक अनजान है। सेंसे मिजुकी से वो राज नारुतो को बताने के लिए मना करता है और मिजुकी नारुतो को बता देता है कि उसके अंदर फॉक्स मॉन्स्टर कैद है, इसीलिए सभी गांव वाले और सेंसे भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं क्योंकि सेंसे का परिवार भी फॉक्स मॉन्स्टर के उससे ही खत्म हुआ था। और नारुतो ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और अपने साथ हुए बर्ताव को सोचने लगता है और तभी मिजुकी नारुतो से कहता है कि उसको वो सीलिंग स्क्रॉल दे दे। और फिर मिजुकी एक और अटैक नारुतो की तरफ करता है जिसमें फिर से एक बार सेंसे बीच में आकर नारुतो को बचा लेता है। और फिर सेंसे नारुतो को अपने बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हारे अकेलेपन को मैं अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। लेकिन फिर मिजुकी यहाँ पे नारुतो को दोबारा भड़काता रहता है और नारुतो इन सबसे परेशान होकर वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ लॉर्ड हुआ के अपने एक जादुई गोले में ये सब देख रहे होते हैं। फिर हम मिजुकी को देखते हैं जो नारुतो का पीछा कर रहा होता है ताकि वो नारुतो को मार के उसे सीलिंग स्कूल हासिल कर सके। फिर हम मिजुकी को देखते हैं जो सेंसे का रूप लेकर नारुतो को पकड़ने के लिए आता है लेकिन नारुतो उसको एक जोरदार लात मारता है जिसके बाद मिजुकी हैरान हो जाता है कि उसको कैसे पता चला कि वो सेंसे नहीं है। तभी हम सेंसे को देखते हैं जो मिजुकी को बेवकूफ बनाने के लिए नारुतो में चेंज हो जाते हैं और सेंसे को देख के मिजुकी समझ जाता है कि उसने उसको बेवकूफ बनाया है। और फिर एक बार दोबारा मिजुकी और सेंसे में बहस होना शुरू हो जाती है। मिजुकी यहाँ पे नारुतो के बारे में बहुत गलत कहता रहता है लेकिन सेंसे नारुतो के बारे में अच्छा बोलते हैं और नारुतो को एहसास हो जाता है कि वो सेंसे को गलत समझ रहा था। और फिर मिजुकी सेंसे को मारने के लिए उस पर अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ नारुतो आ जाता है और मिजुकी को एक जोरदार लात मारता है और उससे कहता है कि तुमने अगर मेरे सेंसे को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। जिस पर मिजुकी कहता है कि तुझे मैं अपने एक ही जोसू से हरा दूंगा लेकिन मैं पहले तेरा जोसू देखना चाहता हूँ। और फिर हम नारुतो को देखते हैं जो शैडो क्लोन जोसू करता है जिससे पूरी जगह नारुतो ही नारुतो भर जाते हैं और सेंसे नारुतो को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि नारुतो ने सबसे खतरनाक जोसू सीख लिया होता है और उसने शैडो क्लोन जोसू को ट्रांसफॉर्मेशन जोसू से मिला दिया होता है। फिर हम मिजुकी को देखते हैं जो नारुतो का जोसू देखकर डर जाता है और फिर नारुतो मिजुकी को हरा देता है और फिर सेंसे नारुतो को निंजा बैंड दे देते हैं और नारुतो से कहते हैं कि वो क्वालिफाइड हो गया है और अब से वो भी एक निंजा है, जिसको सुनकर नारुतो बहुत खुश होता है और सेंसे को गले लगा लेता है। फिर सीन चेंज होता है जहां हम लॉर्ड हुकागे को देखते हैं जो सारे निंजा को बताते हैं कि स्कॉल सेफ है और नारुतो भी जल्दी ही लौटेगा। और इसी के साथ हमारी आज की वेब सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।